मुझसे पूछ रहे हो, ये तो तब से कैरी करते आ रहा हूँ मैं। स्टाइल मेरा ख्याल से एक एक्सटेंशन है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एक्सटेंड करते हुए। हर इंसान चाहे वो टक्सीडो में अपने आप को सोचता है कि वो बहुत जेंटलमैनली बन रहा है, या कोई बेसिकली अगर लुंगी और कुर्ता भी पहनता है, कुर्ता पजामा भी पहनता है, ज़्यादा इंडियन ड्रेस पहनता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत जो चॉइस होती है वो जिस जो लिबास में मैं आया हूँ, एक शर्ट, एक लेयर जैकेट, जीन्स, थोड़ा सेमाई फॉर्मल बट कैजुअल लुक होता है, बट दैट गोज़। ये जो हेयर स्टाइल जब मैं 90s में आया था, मैंने कभी सोचा नहीं था एक आइकॉनिक हेयर स्टाइल या जो कुछ भी लोग कहते हैं ऐसा होगा, बट दैट्स द वे इट इज़। ये मेरी लुक रही है, दिस द वे मैं कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता हूँ, ये लुक मेरी फिल्मों में आती रही है, लोग इसी तरीके से मुझे पहचानते हैं। मेरा ख्याल से कोई भी इंसान अगर अपने पर्सनालिटी को अपने लुक के साथ एक्सटेंड करता है और उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, दैट्स इज एक्सटेंशन, दैट इज़ ए स्टाइल। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू वेयर। आज मेरा मूड ये है, कल अगर मेरा मूड होता है कि मैं एक 3-पीस सूट पहन करके आऊँ, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन के उस मोमेंट पे मैं वो कपड़े पहन करके अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द मोमेंट। मैं तो आजकल सारे एक्टरों को स्टाइलिश देखता हूँ, क्योंकि जो चैनल्स हैं, जो कुछ मैंने सुना और मैंने देखा हुआ है, हर चैनल जो है वो बहुत पर्टिकुलर है कि उसका कैरेक्टर किस तरीके से दिखता है, उसके कपड़े और उसके लिबास का रंग क्या है, किस तरीके से साड़ी पहनाई जाती है, किस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ देम एक्सेलेंट, बट टेलीविजन ऑनेस्टली शाहरुख इज द एपिटमी ऑफ स्टाइल। डेफिनेटली बहुत यूनिक है, और क्योंकि पहला वाला है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एक स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा, एंड मेरा ख्याल से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, क्योंकि स्टाइल जो होता है वो हमेशा हर सीरियल, हर प्रोग्राम का जो कुछ भी कंटेंट टेलीविजन में आ रहा है, कंटेंट डेफिनेटली इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक लुक जो होती है कैरेक्टर की, एक प्रोग्राम की वगैरह, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आज जो भी हमारी ऑडियंस है, हमारी जनता है, वो एक लुक को भी देखना चाहती है, वो एक नज़रिए से देखता है कि हमारे कैरेक्टर्स किस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, क्या रंग देखते हैं, किस चीज़ों को देखते हैं, यू नो हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दोज कैरेक्टर्स एंड द लुक। तो पैकेजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द लुक जो होता है एक सीरियल का या कोई भी प्रोग्राम का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक ज़माना होता था कि आप कुछ भी पहन करके आप आते थे और आप शूट करते थे और सोचते थे दैट ओनली कंटेंट, बट टुडे लुक ऑल्सो मैटर्स एज मच एज कंटेंट। तो ये जो स्टाइल अवार्ड है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू सेट अ स्टैंडर्ड कि कौन सा सीरियल या कौन सा कैरेक्टर या कौन से प्रोग्राम जो हैं दैट आर मेंटेनिंग अ सर्टेन स्टाइल, एंड ऑल्सो जितने लोग जो कोशिश कर रहे हैं टेलीविजन के माध्यम में आने के लिए, दे विल पुल अप देयर सॉक्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे बताओ कितने लोगों को तुमने ऐसे बोला, पहले तो बताओ। ज्यादा जल्दी आ गए हम लोग, समय की कदर करते हैं, हम समय की कदर करने वाले हैं। नेहा बहुत अच्छी लग रही, स्नेहा बहुत अच्छी लग रही। कोई ध्यान में रखा, जो हमारे पास सबसे अच्छा था वो पहन लिया, पहन लिया हमने, जो प्रेस था और जो हमको लगा कि अच्छा भी है और दिखने में महंगा भी लग रहा है, तो वो हम लोगों ने पहन लिया। और बाकी यहाँ से नकल कर लेंगे, अभी देख लेंगे बाकी क्या पहन के आए हैं। तो उसके बाद चीज़ है, अच्छा एक तो कैमरा इधर है, बोलने वाला इधर है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा दिल, जो दिल है हिंदुस्तानी, सबसे स्टाइलिश। मेरी आंखें बहुत साफ हैं, मैं बुरी नजर से किसी को नहीं देखता, बस यहीं से पता चल गया कि क्या देखता। मेरी शादी की रिंग। ओहो मतलब ये बताना क्या चाहता, तुमने शादी हो गई है, रिंग दिल हिंदुस्तानी है, आंखें साफ हैं, उसकी शादी हो चुकी है, तो ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन
शादीशुदा हमारी दोस्त है तो इसलिए हमारी आंखें साफ हैं, अदरवाइज नहीं होती। अदरवाइज भी साफ ही थी आंखें, ढाई नंबर का चश्मा लगा हुआ है तो साफ ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे अभी अभी फोटो खिंचवाई शादी की, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन आई मीन ये पहली बार हो रहा है, मैं नॉमिनेट हूँ सो इट फील्स ग्रेट, अगर अवार्ड मिल गया देन इट विल फील वेरी वेरी गुड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट इनिशिएटिव कि ऐसी पहली बार हो रहा है टेलीविजन स्टाइल अवार्ड्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड टू बी नॉमिनेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिश विलन नेगेटिव, इट्स ग्रेट। स्टाइल मेरे लिए ऑनेस्टली कम्फर्ट है, मैं कभी ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ जैसे कि कुछ ट्रेंड बन जाते हैं कि ब्लैक ट्रेंड में है या ऑरेंज कलर या फिर कोई पर्टिकुलर स्टाइल पैंट्स की हो गई या शर्ट की हो गई, काफ़ी लोग वो ट्रेंड फॉलो करते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं और व्हेन दे डोंट फील कंफर्टेबल दे डोंट लुक गुड, सो फॉर मी वट एवर इज़ कम्फर्टेबल आई गो अहेड एंड वेयर इट एंड दैट्स स्टाइल फॉर मी इज़ कम्फर्ट। मेरी आंखें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यू वेलकम। Expectations? Well, it's a style. कहाँ बताइए? Well, my expectations would be that it's stylish. you'll obviously have a lot of people out here, जो लोग जिनको जिस तरह वो लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसी वजह से वो यहाँ आए हैं और उनको देखने के लिए बहुत लोग उत्सुक होंगे, so I'm sure that this program will present them and all of us in that light and it's going to be a very stylish and opulent event. हाँ जी कौन? आ गया। हाँ एक मिनट। कुछ वक्त पहले किया जी नहीं ऐसे कुछ बात नहीं, मैं शूटिंग से आया हूँ सो आई कम फॉर फिल्मिस्तान, मैं अभी शूटिंग से आया हूँ फिल्मिस्तान से आया सॉरी सवाल वहाँ से ऐसे कुछ है नहीं, मैं अभी फिल्मिस्तान से आया हूँ शूटिंग से तो आई जस्ट कम नाउ, तो ऐसे हो जाते हैं हम दोनों एक्टर्स हैं तो काम करते हैं तो अलग अलग स्केड्यूल्स हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पर हूँ ना उसको सपोर्ट करने के लिए, वो नॉमिनेटेड है तो मैं आया हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। अभी इसी वक्त मुझे लगता है हर आदमी के लिए एक सूट इज अ वेरी स्टाइलिश थिंग, आई थिंक मेन लुक द बेस्ट व्हेन दे इन सूट्स, तो आई थिंक माय स्टाइल स्टेटमेंट, मैं हमेशा सूट्स में होता हूँ जब इवेंट्स पे जाता हूँ या आउट फॉर फंक्शंस, हाँ जी नहीं देखो मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आई एक हिट फिल्म हो चुकी है साउथ में, ओवर 200 कोर्स कर चुकी है, अभी मैं एयर मुगदोस के साथ एक फिल्म करूँगा साउथ में तो वहाँ पे बातें चल रही है तो एक्साइटिंग टाइम्स, बट मैं दोनों एज ए एक्टर बॉलीवुड और साउथ फिल्म सेम फॉर मी, आई वांट बी अ वर्किंग एक्टर।
इंग्लिश मूवीज। आई थिंक स्टाइल इज़ अ पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है एंड शी कैरीज हरसेल्फ विद एलिगेंस एंड डिग्निटी, तो आई थिंक यू नो हर एटीट्यूड इज हर बिगेस्ट स्टाइल कोटेंट। थैंक यू, थैंक यू। Nothing is just an Arjun Saluja dress which I picked up a while ago and yeah that's it, that's about it, nothing. अच्छा अगर कहा जाए कि आपको अपने आप में सबसे स्टाइलिश चीज क्या लगती है तो कौन सी होगी? My attitude. Thank you so much. Thank you. Thank you. चल बस सेट सेट कर।